दोस्तों, आज हम आपको देंगे आईटीआर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सीमा से अधिक आए तो भरना ही है आईटीआर, इसके बारे में देंगे संपूर्ण जानकारी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब बताते हैं क्या है न्यूज। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक तैयारी बीते साल की आय पर इनकम टैक्स रिटर्न करनी होती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना बड़ा काम होता है। अपनी आय के हर स्रोत को पहचानना और उससे होने वाली आय का पता करना भी एक चुनौती होती है। रिटर्न भरने से पहले अगर छूट चाहिए तो इसके लिए टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट्स भी जुटाने होते हैं। कुल मिलाकर रिटर्न दाखिल करने के लिए काफ़ी प्रयासों की ज़रूरत होती है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफ़ी थकाऊ और लंबा काम होता है, क्योंकि तब खुद इनकम टैक्स कार्यालय जाकर रिटर्न भरना होता था। इतना ही नहीं, पहले रिटर्न फार्म भी बहुत लंबा होता था, लेकिन अब आप रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं और रिटर्न फार्म भी छोटा और आसान हो गया है। करदाता चाहे तो खुद ही रिटर्न भर सकता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 असेसमेंट वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 है। नियत तिथि तक रिटर्न न भरने पर इस बार जुर्माना भी देना पड़ेगा। उन सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है जिनकी आय अलग अलग वर्गों के लिए निश्चित सीमा से अधिक है। इनमें अलग अलग वर्गों में शामिल लोग, कंपनियां, साझेदारी ट्रस्ट, हिंदू, अविभाजित परिवार और कॉरपोरेट शामिल है। इनकम टैक्स रिटर्न फार्म में आपको अपनी पहचान, पता, पैन असेसमेंट वर्ष, विभिन्न स्रोतों से आय, कर मुक्त आय, टैक्स छूट के लिए निवेश एवं TDS की जानकारी देनी पड़ती है। आय पर रिटर्न भरने में छूट की सीमा। रिटर्न भरने से संबंधित प्रावधान आयकर दाता की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति, HUF या लोगों के संगठन को उस स्थिति में रिटर्न करना पड़ता है जब उनकी कुल आय छूट के बिना तय सीमा से अधिक हो। किस आयु वर्ग के लिए कितनी आय कर मुक्त? 80 साल या अधिक 5 लाख रुपये, 60 से 80 साल तक 3 लाख रुपये, 60 साल से कम 2.5 लाख रुपये। कंपनी या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर हर व्यक्ति के रिटर्न भरना अनिवार्य है, चाहे उसे लाभ हुआ हो या हानि। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स स्लैब व टैक्स दर। आय 2.5 लाख तक सामान्य वर्ग को 0, 60 से 80 वर्ष को भी 0, सीनियर सिटीजन 80 वर्ष या उससे अधिक को भी 0 टैक्स देना होगा। 2.5 लाख से 3 लाख तक सामान्य वर्ग को 5% टैक्स देना होगा। सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष से अधिक दोनों को 0% टैक्स देना होगा। 3 लाख से 5 लाख तक सामान्य वर्ग को 5%, सीनियर सिटीजन को 5%, 60 साल से अधिक वाले को और 80 साल से अधिक वाले को 0 टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख तक सामान्य वर्ग को 20%, सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से 80 वर्ष के लिए 20% और 80 से ऊपर वाले को भी 20% देना होगा। 10 लाख से अधिक सामान्य वर्ग को 30%, 60 और 80 साल वालों को भी 30% ही देना होगा। यह भी ध्यान रखें, अगर आपकी आय 50 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 4% सेस के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा। अगर यह 1 करोड़ से अधिक है तो 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये थी आयकर रिटर्न से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं, और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।